नमस्कार, स्वागत है आपका। धर्म और अध्यात्म और उसके साथ ही स्वास्थ्य, जी हाँ, एक साथ तीनों चीजों का लाभ उठा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित बड़ी देवी प्रांगण में स्थित गायत्री प्रज्ञापीठ में, जहाँ लोग पहुँचते हैं, धर्म का लाभ लेते हैं, अध्यात्म का लाभ लेते हैं और स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं, योग करते हैं, एक्टिव प्रेशर पार्क पर चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर जो ग्रह वाटिका है, राशि वाटिका है, वास्तु वाटिका है और साथ में वह सारे वृक्ष उपलब्ध हैं जो किसी न किसी देव के रूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर बड़ी देवी प्रांगण में स्थित है गायत्री प्रज्ञापीठ, जहाँ पर उपवन है पंडित श्री राम स्मृति उपवन में हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। ग्रह वास्तु राशि वाटिका में पहुंचकर धर्म और स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। इस उपवन की देखरेख करने वाले अनूप श्रीवास्तव से हमने चर्चा की। जी अनूप जी, आप आज हम बैठे हुए हैं गायत्री प्रज्ञापीठ में। गायत्री प्रज्ञापीठ में एक एक्यूप्रेशर पार्क बना हुआ है। इस पार्क की परिकल्पना कहाँ से आई और कैसे हुआ? इस पार्क की परिकल्पना हमारे शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में हमने बनाया है और ये मध्य प्रदेश का तीसरा है। पहला भोपाल में बना है, दूसरा टीकमगढ़ में, तीसरा दमोह में बना था उस समय। इसमें तीन प्रकार के टॉर्च लगाए जाते हैं। एक नीला कलर का जो है उसमें लो प्रेशर रहता है और जो पीला वाला है उसमें मीडियम प्रेशर और लाल वाला जो है हाई प्रेशर वाला। इन पे घूमने से 26 प्रकार के पॉइंट पर प्रेशर होता है पैरों में, जिससे कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। इसमें नियमित कम से कम 15 मिनट घूमना पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ पे एक्यूप्रेशर पार्क है। जी, यहाँ नक्षत्र वाटिका भी है और ग्रह वाटिका भी है, राशि वाटिका भी है और वास्तु वाटिका भी है। अब और उसमें कुछ देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में वृक्षों को भी यहाँ पर लगाया गया है। हम चाहेंगे क्रमशः आप हमें एक एक काम चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले बनी है जो अपने वास्तुवाटिका है, जो वास्तुवाटिका में किस दिशा में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, जिसके वैदिक रीति से लगाए गए हैं और इन पेड़ों की कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं, कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, इनसे घूमने से अपने ग्रह दोष जो है उनके खत्म होते हैं। दूसरे नंबर पर बनी है नवग्रह वाटिका, जो पूजा पाठ में 900 सुपाड़ी लगाई जाती हैं उनकी जगह पर 9 पेड़ लगाए गए हैं और उनके कौन से ग्रह का कौन सा कलर है वहाँ पर जो है वैदिक रीति से उनके कलर जो है दर्शाए गए हैं। तीसरे नंबर पर है राशि वाटिका, राशि वाटिका में कौन सी राशि का कौन सा पेड़ है और कौन सी राशि के कौन सा कलर है, जो साइंटिफिक भी है, वैज्ञानिक भी है और आयुर्वेद तो है। और तीसरे में चारों तरफ जो बने हैं उसमें नक्षत्र वाटिका है, जो ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। 27 नक्षत्र में 27 पेड़ लगाए गए हैं। इसके बाद 9 पेड़ लगाए गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। पहले पेड़ है त्रिदेव, जिसमें जो ब्रह्मा कहलाते हैं, इसमें पीपल बरगद और पलास, और त्रिमूर्ति में पीपल बरगद और पाकड़, और शिव जी का हुआ पीपल बरगद नीम। इस तरह से इन पेड़ों की परिक्रमा करने से अपने ग्रह दोष और वास्तु दोष खत्म होते हैं और इन पर घूमने से इनकी शुद्ध जो ऑक्सीजन मिलती है, इनकी परिक्रमा करने से अपने शरीर पर जो स्वास्थ्य लाभ होता है वो अपनी अलग रहती है। एक्यूप्रेशर से घूमने से स्वास्थ्य लाभ होता ही है, संग इन पेड़ों की भी ऑक्सीजन अपने शरीर पर पड़ती है, इससे भी लाभ होता है। यानी कि इस बात से यहाँ पर निश्चित रूप से ये सिद्ध होता है कि आपको धार्मिक वैज्ञानिक ये दोनों रहस्य यहाँ पर छुपे हुए हैं और जिनका लाभ लोग। जी, जो यहाँ पर जो साधना कक्ष बनाया गया है, इसलिए शांति कुंज हरिद्वार के बाद 2nd नंबर पर यहाँ पर बनाया गया है। इसमें जो 5 कांच लगाए गए हैं, इसमें जो भटका हुआ देवता रहता है, जो मनुष्य भटक गया है, उनके विचार भटक गए हैं, इनकी साधना करने से प्रत्येक 5 कांच में से देखने से अपने आप में उसको देखें और उसमें नीचे के देवी की रचाएँ हैं उनको पढ़ें, इससे अपने आप निगेटिव विचार जो है निकल जाते हैं, पॉजिटिव विचार ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और जो सामने जो साधना कक्ष बना है जिसकी जो स्टोन में बैठ के सब मौन साधना की जाती है, यहाँ सब मौन साधना की जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो परम पूज्य गुरु जी हैं जी, उनका यहाँ पर आगमन हुआ, शायद ऐसी जानकारी है कि उनके ही द्वारा ये प्रज्ञापीठ की स्थापना की गई थी। क्योंकि मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन बताते हैं यहाँ के जो बुजुर्ग लोग कि सन 1981 में गुरु जी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने आए थे, जिसकी
वेद माता गायत्री देवी जी और सरस्वती माता जी की प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के करकमलों में की गई थी। तब तो मैं यहाँ पर 1983 में आया हूँ और 1994 से गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, तब से मैं सक्रिय हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी हमने अपने उसमें राशि लगा के इसको माने जागृत किया है क्षेत्र को। पहले जैसे कि ये आपने जब पार्क को यहाँ पर निर्मित किया, यहाँ पर सब बनवाया, काफ़ी आपने मतलब परिकल्पना के बाद शांति कुंड हरिद्वार के आदेश के पश्चात यहाँ पर किया, किस प्रकार के आपको सहयोग मिला और किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसमें भी समय समय पर जो शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आने के मार्गदर्शन दिया, जैसे कालीचंद शर्मा जी भाई साहब इस समय जो पूरी इंडिया के जो समर्पक हैं, डॉक्टर बिजमोहन गौर साहब, डॉक्टर KP दुबे जी, इन सब लोगों ने आके मार्गदर्शन दिया। योगेश शर्मा जी शांति कुंज से पधारे, यहाँ पर हमको बराबर मार्गदर्शन दिया और दमोह के सब गरमा नागरों का हमको पूरा सहयोग मिला, जिनके सहयोग से आज हम काम कर पाए हैं। अभी मंदिर का निर्माण आगे और का जारी है। किस प्रकार का संदेश होगा ताकि लोग यहाँ से जुड़े और वह धार्मिक वैज्ञानिक सभी प्रकार का स्वास्थ्य का लाभ भी ले सके? देखिए, यहाँ पर आने से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, संगे संगे माता जी की विशेष कृपा होती है, जिससे अपने उससे भी मन ग्रह दोष और स्वस्थ स्वास्थ्य मन में वो होती हैं, उल्लास बढ़ता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं और ग्रह दोष खत्म होते हैं। यहाँ पर आने वाले भविष्य में एक रसाहार का भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जूस यहाँ पर पिलाए जाएंगे और जिससे आदमी को लाभ होगा। जैसे कि कुछ आप लोगों को कुछ समस्याएं भी आ रही होंगी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार का आम जनमानस से अपील होगी तो वो आपका सहयोग करें? भाई, हमारा तो सभी जनमानस से निवेदन है, सब दोनों वाले से निवेदन है, यहाँ के घूमे और स्वास्थ्य लाभ लें और जो माता के चरणों में श्रद्धा भाव से सहयोग करना चाहते हो करें, ताकि मंदिर का निर्माण किया जा सके।